अरे ओ दीवानों मुझे पहचानो, मैं हूँ ममता न्यूयॉर्क। सुना है आपकी सालाना कमाई और दिहाड़ी के दिन आ गए। आपको अगर हिस्सा चाहिए हो तो बताइएगा मुझे, मेकअप वाले उनको कह सकते हैं मुझे सुर्खी लगा दे थोड़ी सी। आपको पता है यही कमाई के दिन है, रमजान शरीफ के बाद फिर किसने मुंह लगाना है हमें, क्योंकि हवा से डॉलर मिटती नहीं, इतनी अपनी हस्ती नहीं। इसलिए मांगता हूँ सबसे डॉलर्स के, और कोई मजदूरी दिखती नहीं, पूरा साल बैठ के खाना होता। इतनी ज्यादा दिहाड़ी लगा देते हैं आप क्या समझती हैं? हम एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, अच्छा, जिसका नाम रखते हैं न्यूयॉर्क चंदा एसोसिएशन। न्यूयॉर्क में होगा वैसे गुजारा, जो भी कमाओगे 20 हमारा 80 तुम्हारा। ये फन भी किसी किसी को आता है, दूसरों की जेब में से डॉलर निकलवाना। बरखुरदार हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। जरा ना फिल्में कम देखा करें। कम्युनिटी में एक अफ्तारी तुम्हें करवाता हूँ, पहले आप पैसे दे देना, प्रोग्राम के बाद आप मुकर जाए फिर। पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आदिया नाज। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत हैं वो भिखारियों की सफात से मालामाल हैं और हर वक्त इस चक्कर में रहते हैं कि किसी ना किसी की जेब जो है वो खाली करवाते रहें। हमारे साथ मौजूद हैं चंदू मियां, मुलाकात करवाते हैं ज़रा। चंदन साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल सही। मतलब आप मुझसे बार बार ये पूछें कि कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, क्या हो गया? मतलब मैं बिस्तर मर्ग पे था, मैं हस्पताल में था कि वहाँ से मैं उठ के आया हूँ, तो आप मुझसे पूछ रही हैं कि जी कैसे हैं आप? आपके दफ्तर में हर बंदा पूछ रहा है कैसे हैं आप, आप बताएं कैसी हैं आप? मम्मी जी कैसी हैं? गुड्डू बबलू कैसे हैं? सब लोग ठीक क्या हैं? हो गया आपको? कौन गुड्डू कौन बबलू? मतलब आप शुरू घर से में ऐसे गुड्डू बबलू होंगे ना? मतलब अच्छा, मम्मी जी कैसी हैं? किसकी मम्मी? आपकी मम्मी। अरे ठीक ठाक हैं आप, अपनी खैरियत बताइए। पापा जी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी खैरियत बताइए, कैसे हैं आप, कैसे आपके हैं जो मामला? डोर बेल है वो सही बजती है? जी टेलीफोन की लाइन ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कोई बल्ब घर में जला हुआ तो नहीं? नहीं। ओवन सही काम कर रहा है? अरे सब कुछ सही है, क्या हो गया आपको? वॉशिंग मशीन का बजर आप सही मेरा चलता है? इंटरव्यू करने आए हैं या मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ? आप मुझसे पूछ रही हैं ना कि आप कैसे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसका बजर ठीक है? मतलब आपको ये सवाल इतना बुरा क्यों लगा कि कैसे हैं आप? आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है या दूसरी मशीन है? ऑटोमेटिक है। अच्छा, इस्त्री वगैरह सही है? जी लाइट बिल्कुल जलती ठीक है है, उसकी? बिल्कुल ठीक है। कॉटन के कपड़े इस्त्री कर लेती है? अरे चंदन साहब क्या हो गया आपको? चंदू मेरा नाम है। अच्छा चंदू, चंदू। अच्छा चंदू साहब क्या चंदू, मामला वो था? भी कुछ दोस्त जो है मुझे प्यार से चंदू बोलते हैं। अच्छा सुना है आपकी सालाना कमाई और दिहाड़ी के दिन आ गए। पहली बात तो ये है, टाइम बिल्कुल नहीं है आज मेरे पास। ठीक है ठीक है, आपको पता है रमजान शरीफ में मेरे पास एक लम्हे की फुर्सत नहीं होती। अच्छा ठीक है, क्योंकि इधर उधर जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, मैं अपनी मतलब आपको तो पता होगा, जी आपने मैं मुझे जाहिर है बुलाया तो आपने वर्क किया होगा इस चीज़ पे कि मेरा काम क्या होता है, तो इसलिए मैं लोगों के पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि भाई पैसे वैसे दो, लोगों का रोज़ा खुलवाऊँगा, सवाब का काम है, अल्लाह का काम है, लोगों का रोज़ा खुलवाऊँगा। तो बस यही है, मतलब मेरा जो है ना टाइम बहुत कीमती है आज। अच्छा हाँ, और आप मेरे टाइम ज़ाया मत करें प्लीज़, इसलिए मुझसे जल्दी जल्दी सवाल करें ताकि मैं फिर चला नहीं, जाऊँ। आप भी सिर्फ सवाल जवाब तक रहे ना, इधर उधर ना जाएं तो जल्दी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक आप आपके असल में सवाल ऐसे होते हैं ना, वो पता नहीं आप कैसे अजीब अजीब से सवाल करती हैं कोई। आपको अगर हिस्सा चाहिए हो तो बताइएगा मुझे, मैं आपको भी हिस्सा दे अगर सकता अगर हूँ। देखें आप इसी तरह बात करते रहे तो प्रोग्राम कैसे चलेगा? प्रोग्राम वैसे ही चलेगा जैसे चलते हैं वो क्या वो प्रोग्राम है? मतलब कैसे चलेगा? जिस तरह हर चीज़ चलती है उसी तरह से आपका प्रोग्राम चलेगा। अच्छा आप हर ईद बकरीद पर दूसरों से या किसी भी इवेंट पे दूसरों से पैसे क्यों मांगते हुए नजर आते हैं? पैसे नहीं मांगता मैं, चंदा मांगता हूँ। अच्छा। पहले ये अपने दुरुस्त कीजिए अपने सवाल को। अच्छा ठीक है, आपके जो अल्फाज का जो चुनाव है ना उसमें मेरी तस्दीक हो रही है। मतलब आप जलील कर रही हैं किसी बंदे को, जो बंदा चंदा मांगता है बार बार लोगों से जाके दरवाजे बजा बजा के, कोई भी मतलब तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब जी है जी आपको पता है थोड़ा सा, तो जो भी बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है तो मैं जब बाहर निकलते हैं तो पकड़ लेता हूँ सब लोगों। अच्छा चंदा मांगने। हाँ, और जितना भी
उसकी जेब में हो ना, कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम निकलवा लूँ। सही, क्योंकि आपको पता है यही कमाई के दिन है, रमजान शरीफ के बाद फिर किसने मुंह लगाना है हमें। तो इसलिए चंदा, मैं तो अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसी यूनियन बना लूँ अपनी कि पूरी दुनिया से चंदा कलेक्ट करूँ मैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना लूँ। आपको पता है कम्युनिटी की वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं, लेकिन जो जिस तरह से मेरा काम होता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है। कोई इस तरह की अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर बन जाए ना तो वो बहुत जबरदस्त। आप अपने वो जो मेकअप वाले उनको कह सकते हैं मुझे सुर्खी लगा दे थोड़ी सी। क्या हो गया आपको चंदुनिया? अजीब, मेरे होंठ फटे हुए हैं ना तो अजीब से नजर आ रहे होंगे। लिपस्टिक क्यों लगाएंगे आप? थोड़ी सी ये थोड़ा सा यहाँ पे मेकअप करवा दें मुझे। मेरा नाक काला तो नहीं आ रहा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा। अपनी शख्सियत के मुताबिक आप बिल्कुल। असल मैंने दांत साफ भी नहीं किए ना, चार दिन हो गए तो इसलिए वो अजीब से। आपके पास कुछ चीज है दांत साफ करने? नहीं नहीं, आपको ये सब घर से करके आना चाहिए था सर। मुझे किसी ने कहा कोयले और वो जो बेकिंग सोडा होता है उसको मिला के अगर दांतों पे मारो तो दांत साफ हो जाते हैं। आपने कभी किए? नहीं जी, मैंने कभी ऐसा कोई तजुर्बा नहीं किया। अच्छा, तो आप मेरा ये छोटा सा काम नहीं करवा सकती? आपके पास लिपस्टिक है तो मुझे दे दे, मैं लगा लेता हूँ। देखें, आप पिंक या रेड लिपस्टिक में कैसे लगेंगे? इमेजिन करें ना खुद को। तो इक्वल राइट्स हैं, कोई भी लगा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। फिर आप चंदू मियां नहीं लगेंगे एटलीस्ट। हाँ, वो तो दोस्त मुझे प्यार से कहते हैं ना कि मैं, देखें मैं मांगने वाला नहीं हूँ जिस तरह से लोग हाथ फैला के मांगते हैं। इब्तदा तो आपने इसी प्रोग्राम से शुरू कर दी। नहीं नहीं नहीं, आपके प्रोग्राम से पहले भी मैं तकरीबन को 1000-1200 डॉलर इकट्ठा कर चुका हूँ। अगर आप मुझे कहें ना कि आप रात को 12 बजे आ जाएं और मेरे घर के सामने जो कारपेट रखा हुआ है जिस पर लोग जूते साफ करते हैं उसके नीचे $1 मैं रख दूंगा रात को 2 बजे, तो मैं उठा कर ले जाऊँगा। अच्छा, क्योंकि हवा से डॉलर मिटती नहीं और इतनी अपनी हस्ती नहीं। अच्छा, इसलिए मांगता हूँ सबसे डॉलर्स कि और कोई मजदूरी दिखती नहीं। मजदूरी हो सकती है कोई और मुझसे? नहीं हो सकती। चंदू मियां, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप लोगों से इस तरह मांगते हैं, इस अंदाज में मांगते हैं गोया किसी ने किसी को आपने उधार दिया और वो वापस उसका तकाजा कर रहे हैं। ये तो देखें, ये तो लोगों को सोचना चाहिए कि जब मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ चंदे के लिए, और देखे करना क्या है मैंने, पूरा साल में यही रमजान शरीफ में तो दिहाड़ी लगती है अपनी। अच्छा, पूरा साल बैठ के खाना होता है। इतनी ज्यादा दिहाड़ी लगा देते हैं आप? क्या समझती हैं, आपको जितना ये टीवी वाले तनख्वाह देते होंगे ना, वो तो मेरी 1 घंटे की कमाई भी नहीं है। मैं तो आपको कहूंगा, मैं तो चले अनपढ़ हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं, आप ज्यादा अच्छे तरीके से मांग सकती हैं अगर आप भी मेरे साथ मिल जाएं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सफात अपने तक ही महदूद रखिए। हम एक आप टीम ना बनाएं अपनी, हम एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। अच्छा, ठीक है, जिसका नाम रखते हैं न्यूयॉर्क चंदा एसोसिएशन। उससे क्या होगा? NCA। उससे ये होगा कि हम लोग एक तकरीब करेंगे, उसमें लोगों को बुलाएंगे, उसमें उनको खाना खिलाएंगे, फिर उनको बोलेंगे कि देखें हम लोग लोगों का रोज़ा खुलवाते हैं, आप हमें चंदा दें। तो लोग किसी के पास $5, $1, $50, $100, $1,000, $500, जिसके पास जितने भी होंगे वो दे जाएगा। ठीक है, जब वो दे जाएगा तो उसमें 30% आपका, 70% मेरा। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैंने कहा ना कि ये आप 100% खुद तक रखिए। और किसी रेस्टोरेंट वाले को मैं मना लूंगा, ये बड़े बेवकूफ़ लोग होते हैं, मान जाते हैं आराम से। कौन लोग हैं ये? पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, उनको तो मैं मना लूंगा, उनको मैं डराऊंगा मरने से, कब्र के अजाब से, रमजान शरीफ की मतलब बरकतों से, कि भाई तुम $1 दोगे तो तुम्हें $10 मिलेगा, इस तरह की चीजें करें ना तो ये डर जाते हैं। जी, जी, बड़े मासूम लोग हैं कम्युनिटी के। उससे हम लोग जो रेस्टोरेंट है वो फ्री में करा लेंगे, खाना किसी कम्युनिटी के किसी बंदे को पकड़ लेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको शौक है मेरी तरह तस्वीरें खींचवाने का, ठीक है, तो उनको पकड़ लेंगे, काम कर लेंगे अपना। चले, मैं आपको एक और ऑफर कराता हूँ जी, कहिए। कि क्योंकि यहाँ पे गुजारा तो ऐसे हो नहीं सकता, आपको पता है यहाँ पे तो सांस लेने के लिए भी आपको डॉलर देने पड़ते जी, पानी डॉलर, हर चीज डॉलर, रोड पे डॉलर, गाड़ी डॉलर, फ्यूल डॉलर, हर चीज, गैस वैस जी 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 बिल्कुल, इधर उधर खाने तो खैर मैं मुफ्त में खा लेता हूँ, जिस तरह आप होटल में गई तो मैं पीछे पहुँच गया, इस तरह का मतलब बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपका पीछा नहीं करता, वैसे बता रहा हूँ जी जी।
तो बस ये समझ लें आपके न्यूयॉर्क में होगा वैसे गुजारा, जो भी कमाओगे 20 हमारा 80 तुम्हारा, 80% तक की कोई ऑफर देगा आपको। नहीं मुझे चाहिए नहीं ना। मतलब देखें आराम से 3-4 हज़ार डॉलर तो हो जाएगा, अच्छा 3-4 हज़ार डॉलर में आप मुझे अगर 1,000-1,200 डॉलर दे के बाकी सारा खुद रख लेना तो मेरा काम हो जाएगा। यानी आपने बेशर्म होकर मांगना ही है। इसको कहते हैं फट्टी लगाना, पता है अच्छा आपको? क्या लगाना। फट्टी लगाना। पहले मैं वैगन स्टैंड पे काम करता था गुजरांवाला में, अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग फट्टियाँ मारते थे। फट्टा नहीं होता वैगन वाला, जहाँ पे पुलिस वाले मना करते जी हैं, जी बिल्कुल। पुलिस वाले ने 10-10 दे दे होते, मतलब होते 4 सवारियाँ पा दे होते, 100 रुपये अपना खरा। तो वो जो फट्टी होती है वो मालकान की नहीं होती, वो हमारी होती है। अच्छा। तो इसलिए मैं गुजरांवाला की जो फट्टियाँ हैं वो अब न्यूयॉर्क में भी लगाता हूँ। ये फ़न भी किसी किसी को आता है, दूसरों की जेब में से डॉलर निकलवाना। बरखुरदार हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। जरा ना फिल्में कम देखा करें और हकीकत ये आप बोले। रोज़े रखती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रखती हैं? ये क्या बच्चों वाला सवाल है कि फ्रिज में रखते हैं, एसी में रख दिया, अलमारी के अंदर रख दिया। हाँ असल में मैं रोज़े नहीं रख सकता ना, तो फिर आपको पता भी नहीं होगा ना शुगर है कि मुझे, कहाँ रखते हैं। शुगर है मुझे, रोज़े नहीं रख सकता, अच्छा। भूख लगती रहती है मुझे। चॉकलेट मेरे पास होती है, मीठी वाली नहीं चॉकलेट, अभी आपको देखें चाहिए? आप रखें, मेरा भी रोज़ा है और हमारी टीम का भी है, बल्कि हमारे जो देखने वाले हैं उनका भी है। पानी मिल मैं गया? फिर वही कह रही हूँ, ज़रा आप प्रोग्राम ख़त्म होता तो फिर आप जाके साइड पे पी लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका प्रोग्राम बस ख़त्म होने वाला है? नहीं अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, अच्छा ये मैं बताइए थोड़ा सा कि सो जाऊं? हाँ मैं थोड़ा सा नहीं सो आप जाऊं? प्रोग्राम ख़त्म हो जाए फिर सो जाइएगा। ये बताइए कि आप मांगते किस तरह हैं, न्यूयॉर्कर की तरह मांगते हैं, कैसे मांगते हैं। ठीक है, एक तो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं चंदू, चंदा मांगता हूँ, ठीक ठीक है। है। दूसरा मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं मंगता न्यूयॉर्कर, मंगता। न्यूयॉर्कर। अच्छा। तीसरा फलां न्यूयॉर्कर, अच्छा न्यूयॉर्कर, गुड ये वो। तो मैं हूँ मंगता न्यूयॉर्कर। सही। अरे ओ दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ मंगता मंगता न्यूयॉर्कर, न्यूयॉर्कर। ठीक है। तो पैसे निकलवाना, डॉलर निकलवाना किसी की जेब में से कोई मुश्किल काम थोड़ी है, अच्छा आराम से मैं आपको सिखा दूंगा। मुझे मेरे चाचा ने आप सिखाया मुझे था। क्यों ऑफर कर रहे हैं बार बार। ये मेरे बताइए कि आजकल आपका गुजारा कैसे हो रहा इकबाल, इकबाल चाचा है ना, है। हाँ उसने मुझे सिखाया अच्छा। कि ये न्यूयॉर्क में जो लोग रहते हैं ना उनको बेवकूफ़ बना के उनकी जेब में से डॉलर कैसे निकालने हैं। उनको डराओ, डराओ उनको, फन फन उनको सिखाया उनको मौत उन्होंने। से डराओ, वाह। डराओ उनको, उनको उनको ये डराओ कि बस ये आखिरी रमज़ान है, तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, इसमें कर लो जो कुछ करना है तुमने। ठीक है। तो ये आपका गुजारा कैसे हो रहा है फिर आजकल तो ऐसे ही तो होता है, मांग के। हाँ पूरा महीना ख्वारी करते हैं, सारा साल बैठ के खाते हैं। वाह भाई। तो पूरा महीना चंदा मांगते हैं, उसके बाद सारा साल बैठकर खाते हैं। तो आप ये बहकारीपन खत्म क्यों नहीं कर देते। कौन सा बहकारीपन? ये भी बहकारीपन हाथ नहीं, ये फैलाना, ढिकारीपन है। हाथ फैलाना हाँ तो ये देखें, एक मायूब नहीं लगता आपको। ये एक फील्ड है, अच्छा। ठीक है, ये एक प्रोफेशन है, जिस तरह लोगों के प्रोफेशन होते हैं ना, जी। जिस तरह आपका प्रोफेशन है, ये माइक लगा के आप बैठी होती हैं, लोगों की बातें कर रही होती हैं, ठीक है, इसी तरह मेरा जो प्रोफेशन है वो मांगना है। मैं तो आपसे भी 50-100 डॉलर लेकर जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ही नहीं, रोने लग जाऊंगा मैं तो यहाँ पे, या अल्लाह। तो रोला पा देंगे थे। हाँ अच्छा। ये तो आपको बुलाने से पहले सोचना चाहिए था, आप मुझे कम से कम 100 डॉलर देंगी, कम से कम, अरे ले लीजिएगा, अभी तो प्रोग्राम पे हाँ बात कर अभी रहे दे हैं। दें। अगर नहीं प्रोग्राम के बाद देखते हैं। ये ना हो प्रोग्राम के बाद आप निकल जाए किसी और दरवाजे से, मैं यहाँ पे बैठा रहूँ, क्यों निकलूंगी मैं। आपके कैमरामैन को पकड़ लूँगा मैं। हाँ पकड़ लीजिएगा, कैमरामैन प्रोड्यूसर सबको पकड़ लीजिएगा। हाँ ठीक। अगर ये सब लोग मिला मिला के 100 डॉलर दे देना तो तो 1,000-1,100 डॉलर फिर आपको तो किसी मेरे दूसरे से यहाँ, मांगने की क्या जरूरत है, फिर यहीं से चंदा इकट्ठा करके पूरा हजार साल का डॉलर से गुजारा कर पूरा साल लीजिएगा। थोड़ी गुजरेगा। नाजरीन बहकारी नामा जारी है, आप इश्तेहार देखिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मंगता न्यूयॉर्कर मिस्टर चंदू। हाँ जी, तो ये आपका एम क्या है वैसे चंदू साहब।
मेरा एम है हाँ गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाना, गिनीज बुक है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली, उसमें अपना नाम लिखाना एज मंगता न्यूयॉर्कर, अच्छा चंदा मांगने वाला। जिस तरह होता है ना कि इसने दुनिया में सबसे ज़्यादा तरबूज खाए, इसने दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली, इसने दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्गर खा ली। देखिए मुझे ना भूख लग रही है, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ ना बर्गर वाली और ये, मैं फिर कहूँगी रोज़ा है सबका ख्याल आप आपका जब होगा ना, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए ना फिर आप बेशक मुफ्ता मंडिएगा। मेरा रोज़ा नहीं है, मैं आप ही से कह रही हूँ, आप बेशक मुफ्ता मंडिएगा। आप अगर चुप करके मंगवा ले, मैं यहाँ पे इस साइड पे रख लूँगा, खाता रहूँगा। ड्यूरिंग प्रोग्राम नहीं हो सकता, आप प्रोग्राम के बाद कर सकते हैं। आपको मेरी हालत पे तरस नहीं आ रहा? आपकी हालत मैंने तो नहीं बनाई। अगर अच्छा। आप भूखे इतने ज्यादा कच्चे थे तो कुछ खा के आना चाहिए था ना थोड़ा बहुत। मैं चाहता हूँ मेरा नाम ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए, जी जी और मेरे जो एम है वो मांगना है, अच्छा और आपके प्रोग्राम के तवसल से मेरा नाम आ जाएगा। आप जानते हैं ये गिनीज बुक वालों को? जी बिल्कुल मैं जानती हूँ। वहाँ पे आप मेरा प्रोग्राम भिजवा देंगे? हाय नहीं, आप रिकॉर्ड खुद कायम कीजिए, दुनिया की नज़रों में आप खुद आएंगे। और वो कितना आते भी रिकॉर्ड? उसी सूरत है जब उनको पता चले कि हाँ भाई ये शख्सियत है। अब तक मैं $4,500 इकट्ठा कर चुका हूँ, और कितना रिकॉर्ड कायम करूँ? और कितने हज़ार बारह डॉलर सौ डॉलर आपकी ये चैनल में से हो जाएगा, मतलब तकरीबन $6,000 तो आज मेरा हो जाएगा आराम से। अच्छा दस कम से कम जो है ना $10,000 मेरा पहले मतलब 5-6-7 दिनों का जो है ना वो है मेरा टारगेट। आप कैसे शो कराते हैं लोगों से, किस तरह लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं कि वो आपको इतनी बड़े पैमाने पर भीख दे देते हैं? मतलब मैं लोगों को घेरता कैसे हूँ? जी घेरते कैसे हैं, आईने में कैसे उतारते हैं? हाँ उनको मैं अपने मोबाइल में ना तस्वीरें दिखाता हूँ। किसकी? लोग रोज़ा खोल रहे हैं। अच्छा अच्छा होमलेस लोगों को मैं शापर दे रहा हूँ, होमलेस लोगों को मैं खाना दे रहा हूँ, ठीक है, उसकी मैं तस्वीरें बना लेता हूँ, ठीक है, फिर लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनिटी में एक अफ्तारी तो मैं करवाता हूँ, और उसी की तस्वीरें आप अपने पास रखते हैं और मुसलसल चलाते रहते हैं, डिफरेंट एंगल से तस्वीरें बना लेता हूँ, ठीक है, फिर वो मैं दिखाता हूँ लोगों को और फेसबुक पे भी डालता रहता हूँ, सही है, ताकि लोग देखें। हफ्ते बाद 10 लोगों की तस्वीरें डालती, फिर 50 लोगों की डालती, तो अफ्तार में करवाता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाता हूँ, करवाता हूँ, लेकिन अपना हिसाब किताब देख के कि पूरे पूरा जो साल है ना वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अच्छा तो चंदू मियां कोई और काम भी तो हो सकता है ना इज्जत के साथ, बाइज्जत तरीके से? ये इज्जत वाला काम नहीं है, मेरा ख्याल है हमारे माशरे में इसको इज्जत वाला काम नहीं समझा जाता। कौन सा माशरा? मैं गग्गू मंडी में रहता हूँ, न्यूयॉर्क में रहता हूँ। कोई भी हो लाइक पाकिस्तान में अगर आप कभी गए होंगे तो वहाँ तो बहुत बुरा समझा जाता है भीख मांगने। पाकिस्तान में लोग रमजान शरीफ में कितना मांगते हैं, तरीके डिफरेंट हैं। मैं तो बल्कि सोच रहा हूँ कि उनको अपने साथ एक एसोसिएशन बना के, देखें मैं असल में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर आप मेरे साथ मिल जाए ना तो एक तंजीम बना के बंदा उनको इकट्ठा कर सकता है, एक प्लेटफॉर्म हो मंगतों का। सही नहीं, आप अपने जैसे बहुत से मंगते इकट्ठे कर सकते हैं, मंगते मुझे बार-बार ऑफर ना करें। मंगते जो है वो अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएं, और जिस तरह वो ख्वातीन का जामनी रंग होता है और जी जी। अमन का सफेद रंग होता है, इस तरह हमारा जो मंगतों का रंग होगा ना वो होगा पीला रंग, येलो, दूर से नजर आता है पता है आपको। जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं ना, मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि आपको लाइनअप किसने किया था। मैं पूछूंगी प्रोग्राम के बाद अपने प्रोड्यूसर से। ये तो कोई बेवकूफ ही होगा जिसने मुझे लाइनअप किया है, मतलब किसी ऐसे बंदे को भी प्रोग्राम में बुलाना चाहिए जिस तरह, मतलब क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को। लेकिन वॉइस ऑफ साउथ एशिया पे मेरी तो प्रमोशन हो रही है ना, लोगों को तो पता चल रहा है ना, मैं लोगों को ये दिखाऊंगा कि वॉइस ऑफ साउथ एशिया वालों ने मुझे बुलाया और मुझे अप्रिशिएट किया। आप बस इतना कह देंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसी क्लिप को मैं निकाल के लोगों को दिखाऊंगा और उनसे और डॉलर बटोरूंगा। दूसरा देखें, मैं यहाँ पे दावत पे आया हूँ,
ऐसा नहीं है कि मैं रोड पे जा रहा था और आपने मुझे बुला लिया और कहा कि जी आ जाओ बैठ जाओ हमारे प्रोग्राम में, ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं होता। ठीक है, लेकिन तो क्या फायदा अपने ऐसी अपने मशीन लोगों का? से पूछे ना, मतलब मुझे क्यों बोल रही है ये वाली चीज? नहीं तो ये जो आप अपनी प्रमोशन बार बार प्रमोशन कह रहे हैं, ऐसी प्रमोशन का क्या फायदा जिसमें लोग आपको मंगता समझने लगे, कोई बात मांगने नहीं, वाला कोई समझने बात लगे? नहीं, कोई बात नहीं, पैसे आ रहे हैं ना, चीखाणियाँ चाहिए ने बस, पैसे आ रहे हैं। अच्छा एक काम मैं आपको दूं, आप मेरा नंबर नीचे चला देंगे स्क्रीन पे? क्यों चलाऊंगी मैं आपका नंबर? ताकि लोग डोनेशन के लिए रब्ता कर सकें। जिस तरह आपने अपना खुलकर सारा चट्टा कट्टा बयान किया ना, हाँ। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डोनेशन मिलेगी। हाँ अच्छा, हाँ मुझे ना एलर्जी हो रही है। कितना पैसा आप इकट्ठा कर लेते हैं एलर्जी से हटके? बहुत पैसा इकट्ठा कर लेता। कितना? आपकी सोच, मैंने आपको अभी क्या कहा था कि जितनी आपकी यहाँ पे तनख्वाह है ना, ठीक है चलें घंटे के हिसाब से लगा लें, जितना आप यहाँ पे 40-42 घंटे लगा के कमाती है ना, वो मेरी 1 घंटे की कमाई है। अच्छा, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरा टाइम ज़ाया कर रही हैं। तो ये इतने पैसे का करते क्या हैं फिर आप? क्लब जाता हूँ और बता तो रहा हूँ कि ये पूरा साल बैठ के खाता हूँ मैं, क्या करते हैं इतने पैसों का सिर्फ आप? बैठ के खाते हैं? हाँ तो आदत है ना, वो हराम खाने की आदत है, जी जी पंजाबी में कहता है राज खा दे दिमार। अच्छा, क्या करें, काम होता ही नहीं है अपने, मतलब मैं काम करने के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं बना हूँ सिर्फ डॉलर्स मांगने के लिए, सिर्फ चंदा इकट्ठा करने के लिए। यानी आप सिर्फ चंदा इकट्ठा करने के लिए बने, खर्च करने के लिए नहीं? हाँ मेरा नाम, मतलब मैंने इतना चंदा इकट्ठा किया है कि ये मेरा चंदू मियां नाम पड़ गया। चंदू मियां पड़ गया, और अभी लोग मुझे मंगता न्यूयॉर्कर कहते हैं। मैं सो जाऊँ यानी यहाँ आप अपना असली नाम भी भूल चुके हैं अब तो? हाँ मैं सो जाऊँ यहाँ पे? नहीं, क्यों सोएंगे आप? मेरा ख्याल है प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आप जाके घर पे सो जाइएगा ना। ठीक है, इजाज़त होगी, अभी बैठिए, वाइंड अप कर लेने दीजिए मुझको, ठीक है? नाज़रीन आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। वाइंड अप में क्या होता है, खुदा हाफिज़ करते हैं सिर्फ? कर लूँ अब? अच्छा बस मुझे इजाज़त होगी $100 दे। अरे तो मैं अल्लाह हाफिज़ कर लूँ, फिर आप उठ के चले जाइएगा, फिर बाद में मांग भी लीजिएगा, ठीक है? पहले आप पैसे दे देना, प्रोग्राम के बाद आप मुकर जाएं फिर। मुझे वाइंड अप करने दें, और आइंदा प्लीज़ ऐसा बंदा लाने से गुरेज कीजिएगा। नहीं, प्रोग्राम के बाद अगर आप मुकर गए फिर। मैं क्यों मुकरूंगी? $100 हो गए ना पक्के? हाँ ले लीजिएगा आप, ठीक है? पहले दे दें, इससे पहले कि हमारे गले चिमट जाएं, हम लोग वाइंड अप करते हैं। और आज आपने मुलाकात की मंगता न्यूयॉर्कर से, चंदू मियां से। हाँ जी, हाँ जी, आज का प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। इजाजत दीजिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। $100 देने? कौन सा $100? $100 ले लीजिएगा। कितने बंदे हैं यहाँ, कितनों से लेंगे आप $100? सबसे अगर आप किसी नेक काम में लगाते ना, हम आपको $1,000 भी देते। चले अब मैं जाऊँ? जी आप जाइए प्लीज़।